30 मार्च 2020। वेदर ज़्यादा नहीं है, कल परसों की तरह ही आज भी 39 डिग्री सेल्सियस ही है। आसमान काफ़ी ज़्यादा साफ है और चारों तरफ नीला आसमान। गांव में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है। दिन मेरा गुजर ही जाता है घर पे बैठे बैठे, कभी चिड़ियों को खाना खिलाते खिलाते, बाहर थोड़ा सा टहलते टहलते, बेड पे लैपटॉप पे मूवीज देखते देखते, और ऐसे ही कुछ काम करते करते दिन मेरा गुजर ही जाता है। सच में ये पढ़ाई के चक्कर में फैमिली के साथ रहना ही भूल गया था मैं। अच्छा लगता है जब इन सारी टेंशन को भूल के आप घर पे रहते हो, आपको छुट्टी मिलती है इतने दिनों की, सही है। इस लॉकडाउन में गांव में रहना, घर से बाहर ना निकलना, इन सब चीज़ों से भी कई अहम चीज़ है फैमिली के साथ रहना। इतने सालों में मैं अपने फैमिली के साथ समय गुजारना भूल ही गया था। गांव में रहना इस तरह यूं कुछ काम ना किए बैठे रहना, अच्छा लगता है। इतना फ्री शायद ही मैं कभी था इन गुजरे हुए सालों में। ये सब पता नहीं क्यों मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है। और ये जो सफ़र चल रहा है हम सब पे, आई नो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट मैं सुबह उठ के हर रोज़ अपने आप को यही याद दिलाता हूँ कि वी विल गेट थ्रू दिस। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि हम सब मिलकर इसको पार कर ही लेंगे। मतलब मुझे पता है कि घर में रहना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है हम सब के लिए। ये पहली बार है कि मैं इस तरह का अकेलापन फील कर रहा हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई मूवी चल रहा है, और ऐसा मैंने आज तक कभी भी फील नहीं किया था। ऐसा लगता है कि मैं कोई मूवी के अंदर हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि इस पूरे प्लैनेट में सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला हूँ और यहाँ पे फंस गया हूँ अपने घर में। पर क्या करें, हमें अभी छोटा छोटा स्टेप्स लेके ही आगे बढ़ना है, वन डे एट वन टाइम, राइट। ये छोटे छोटे वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरा माइंड हमेशा क्लियर और एक्टिव रहे। जितना कम पॉसिबल हो सके उतना ही कम मैं घर से बाहर निकलता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि वायरस अपने आप चल नहीं सकते, बट इंसान चल सकते हैं। तो वायरस आपके घर में तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको खुद अपने घर ना लाओ। सो ऑल राइट, और कुछ नहीं है बोलने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।